जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द किंगडम ऑफ नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग विंडोज 7 के स्विच यूजर लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लिप और हाइबरनेट ऑप्शन को कवर करने वाले हैं और इन सभी के पूरी डिटेल्स को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और कंप्यूटर के सभी कोर्सों की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। कुछ और कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के जिसे हम इस वीडियो में क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर का जो मेन पार्ट्स होता है सीपीयू, उसमें कंट्रोलर होते हैं, बसेस होते हैं और इसके अंदर मेमोरी डिवाइस भी होती हैं जिसमें आपका रैम, रोम और हार्ड डिस्क होता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी और हार्ड डिस्क यानी कि HDD। इसके अलावा इसमें सीपीयू में हमारे ड्राइवर्स भी कुछ होते हैं, जैसे में फ्लॉपी डिस्क जो कि सबसे पहले यूज किया जाता था, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी मात्र 4 KB की रहती थी। उसके बाद जो ड्राइव आया उसे हम लोग CD-ROM नाम दिया गया, जिसमें CD का यूज किया जाता था यानी कॉम्पैक्ट डिस्क यूज किया जाता था, जिसकी कैपेसिटी 700 MB की होती है। इसके बाद DVD आया। DVD राइटर में यानी DVD रोम में यह खासियत था कि वो CD और DVD दोनों पर वर्क करता था और DVD की कैपेसिटी 4.7 GB रहती है। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव आया जो कि अभी के कंप्यूटर में यूज होता है और ऑप्टिकल डिस्क की खासियत यह है कि इसमें CD, DVD किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर की डिस्क को रीड कर सकती है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सारे ड्राइवर्स हट जाएंगे। ना ऑप्टिकल डिस्क रहेगा ना DVD राइटर, मतलब CD या कोई भी डिस्क का यूज करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सभी का जगह पेन ड्राइव ले लेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस का होता है। इसके अलावा कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो हम आप लोगों को बताए थे इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर में, एक्सटर्नल हार्डवेयर में हम आप लोगों को इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताए थे, जिसमें कि आउटपुट में मॉनिटर और प्रिंटर होता है जबकि इनपुट में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और कैमरा होता है। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस हैं कंप्यूटर के जो इनपुट और आउटपुट दोनों में वर्क करते हैं, जैसे कि मॉडेम, साउंड, वीडियो और TV। तो ये सब आउटपुट और इनपुट दोनों में वर्क करते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को। अब हम लोग कंप्यूटर में रीस्टार्ट का उपयोग कब और क्यों करना चाहिए, कंप्यूटर को शटडाउन कैसे और कब किया जाता है, स्विच यूजर कब करते हैं, कंप्यूटर में लॉग ऑफ का उपयोग कब करते हैं, लॉक का उपयोग कब किया जाता है और कंप्यूटर में स्लिप से क्या होता है और हाइबरनेट से क्या होता है। तो इन सभी ऑप्शन को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर को कब स्टार्ट करेंगे, जब भी हमें कंप्यूटर संबंधित कोई भी कार्य पड़ता है या कंप्यूटर संबंधित कोई भी कार्य हमें करना होता है तो हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है पावर ऑन द मेन पावर बोर्ड, जहां से पूरे पावर को सप्लाई किया जाएगा उसे ऑन करना है। सेकेंड में UPS का पावर बटन ऑन करना है, थर्ड में CPU का पावर बटन ऑन करना है और फोर्थ में मॉनिटर का पावर बटन ऑन करना है। तो इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो फर्स्ट हमें प्रेस करना है पावर बटन जो कि मेन पावर सप्लाई बटन होगा। इसके बाद स्विच ऑन द UPS का पावर बटन को ऑन करेंगे जिससे कि मॉनिटर और CPU में पावर आ जाएगा। थर्ड स्टेप में CPU का पावर बटन प्रेस करेंगे जिससे कि CPU में पावर आए और CPU अपना कार्य स्टार्ट कर दे। और फोर्थ में यानी कि अंतिम में मॉनिटर का पावर बटन ऑन किया जाता है, इससे हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए यहाँ 4 स्टेप को नंबर वाइज दिखाया गया है कि नंबर 1 में आपको पावर बोर्ड, सेकेंड नंबर पर UPS, थर्ड नंबर पर CPU और फोर्थ में मॉनिटर ऑन करना है। इस तरह आप कंप्यूटर को ऑन कर पाते हैं। ये हमारा मेन बोर्ड सप्लाई है, हम जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये यहाँ का करंट इसमें पहुँच के हमारे UPS में आ जाएगा और UPS
में करंट पहुंच जाएगा। यूपीएस बस एक तरह का छोटा सा इन्वर्टर जो कि बैटरी को अपने पास रखता है, उसमें पावर कंज्यूम करता है। कंप्यूटर जब ऑन होता है और हमें कोई फाइल सेव करनी होती है तो हमें ये पावर देता है ताकि हम उसे सेव कर लें। जब ऐसा तभी होता है जब लाइट कट जाए। हम जैसे इसको दबाएंगे ये आवाज़ करेगा। ये हो गया हमारा यूपीएस। फिर ये होता है सीपीयू। फिर हमें जब यूपीएस को ऑन करना हो तो एक पावर बटन देखिए इसमें भी है, या जैसे ही हम इसको बटन को दबाएंगे ब्लू कलर की लाइट जलने लगेगी। अब हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर को कैसे रीस्टार्ट करते हैं और कैसे शटडाउन करते हैं और इसे क्यों करते हैं। तो कंप्यूटर को शटडाउन करने हम लोग पहले समझेंगे कंप्यूटर को बंद करने। कंप्यूटर को बंद क्यों किया जाता है? जब हमारा काम फिनिश हो जाता है, हम जो भी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं उस काम को समाप्त कर देते हैं या अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें कंप्यूटर को बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। और कंप्यूटर को बंद करने के लिए भी कुछ स्टेप है जिस स्टेप से हम कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो पहला है क्लिक द स्टार्ट बटन या विंडोज बटन। फर्स्ट में लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है, जिस बटन को हमें प्रेस करना है। इसके बाद सेकेंड नंबर में गो टू शटडाउन ऑप्शन। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो शटडाउन ऑप्शन आपको नीचे में ही दिखाई देगा। उस शटडाउन ऑप्शन पर जाना है और शटडाउन ऑप्शन पर जाने के बाद तीसरा स्टेप आएगा जहां पर हम शटडाउन बटन पर क्लिक कर देंगे, यानी कि क्लिक ऑन शटडाउन बटन। शटडाउन बटन पर क्लिक करते ही हमारा कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आप इसे वीडियो में भी देख सकते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही शटडाउन ऑप्शन आएगा, फिर शटडाउन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। शटडाउन बटन प्रेस करते ही आपका कंप्यूटर धीरे धीरे शटडाउन हो जाएगा और पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, स्क्रीन पर जिस तरह से दिख रहा है। इसके बाद रीस्टार्ट ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को रीस्टार्ट कैसे किया जाता है? हम लोग कंप्यूटर को चालू करने भी सीख गए, कंप्यूटर को बंद करने भी सीख गए। तो अब ये रीस्टार्ट क्या है? तो रीस्टार्ट हमें कब करना चाहिए? रीस्टार्ट का दो मेथड है। एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से, यानी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट से, और दूसरा है हार्डवेयर से, जिसे हम लोग इमरजेंसी रीस्टार्ट बटन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रीस्टार्ट करते क्यों है। तो जब हम कंप्यूटर को लगातार कई घंटों तक चलाते रहते हैं तब कंप्यूटर हमारा धीरे धीरे चलने लगता है, यानी कंप्यूटर का स्पीड स्लो होने लगता है। कंप्यूटर जब हमारा स्लो हो जाता है तब भी हम इसे रीस्टार्ट करते हैं, या कंप्यूटर में कोई समस्या होने लगती है, या जब हम कोई नया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तब भी हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। तो आप समझते हैं कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट कैसे करते हैं, इसका क्या स्टेप है। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए हमें फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में होल्ड ऑन शटडाउन ऑप्शन, शटडाउन ऑप्शन पर होल्ड करना है, यानी कि रुकना है कुछ समय के लिए। जैसे ही कुछ सेकेंड के लिए आप शटडाउन ऑप्शन पर रुकेंगे तो कुछ ऑप्शन आपके पास अपीयर हो जाएंगे जिसमें रीस्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, स्विच इज और लॉग ऑफ, लॉक, और इसके बाद रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे, इससे हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर बंद होगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए भी फर्स्ट स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद शटडाउन ऑप्शन पर होल्ड करेंगे। होल्ड करते ही आपको रीस्टार्ट बटन अपीयर हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा, और शटडाउन होने के कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक या ओपन हो जाएगा, और इस तरह हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग समझ गए हैं कंप्यूटर को कैसे रीस्टार्ट करना है। देखिए हमारा विंडोज ओपन हो गया। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए हम आप लोगों को बताया था कि हार्डवेयर से भी करते हैं, जिसे हम लोग इमरजेंसी रीस्टार्ट बटन करते हैं।
तो यह सीपीयू से किया जाता है, सीपीयू के हार्डवेयर से। इसमें पावर बटन के जस्ट बगल में आपको छोटा सा बटन दिखाई देता है जिसे हम लोग रीस्टार्ट बटन कहते हैं। इसका उपयोग कब करेंगे, जब हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रीस्टार्ट नहीं हो रहा, यानी कि अंदर से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, माउस चल ही नहीं पा रहा, वैसी स्थिति में हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए इमरजेंसी रीस्टार्ट बटन का उपयोग करना होता है। इन ऑप्शनों को छोड़ करके जो भी बचा हुआ है उन ऑप्शन को हम लोग समझते हैं, जैसे कि स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, स्लीप और हाइबरनेट। तो इन ऑप्शन को हम लोग आप क्लियर करेंगे। यूज ऑफ स्विच यूजर, स्विच यूजर का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमारे कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूजर होते हैं, यानी कि हम एक ही कंप्यूटर में अलग अलग यूजर बना करके रखते हैं, तब हम किसी एक यूजर से अनदर यूजर में प्रवेश करने के लिए, यानी एक यूजर को क्लोज करके दूसरे यूजर में जाने के लिए स्विच यूजर का उपयोग करते हैं। इससे हमारा कंप्यूटर बिना शटडाउन हुए, बिना बंद हुए दूसरे यूजर का ऑप्शन दे देता है। पहला यूजर क्लोज हो जाता है और दूसरे यूजर को लॉगिन करने का ऑप्शन दे देता है। यदि हमारे पास दूसरे यूजर के लिए पासवर्ड रखे हैं तो उस पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर देते हैं, या फिर उस यूजर के नेम पर क्लिक करते ही दूसरा यूजर ओपन हो जाता है। इसका उपयोग एक कंप्यूटर में एक से अधिक लोग जब कंप्यूटर को चलाते हैं तो उस स्थिति में किया जाता है। हम आगे की वीडियो में यह बताएंगे कि यूजर कैसे बनाया जाता है, आप एक कंप्यूटर में कितने यूजर बना सकते हैं और अलग अलग तरह से सभी यूजर्स को विंडोज को अपने तरीके से सजा सकते हैं। स्विच यूजर करने के लिए हमें फर्स्ट स्टार्ट बटन को क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद एरो ऑप्शन का यूज करते हुए शटडाउन ऑप्शन पर जाना है, और शटडाउन ऑप्शन पर होल्ड करने के बाद स्विच और यूजर ऑप्शन दिखेगा, जिस तरह से रीस्टार्ट ऑप्शन दिखा था उस तरह से स्विच यूजर दिखेगा और हमें स्विच यूजर पर क्लिक करना है। तो पहला जो यूजर है वो क्लोज हो जाएगा और हम इसके बाद हमारे स्क्रीन पर जितने भी यूजर्स रहेंगे वो डिस्प्ले करने लगेंगे, उसमें से जिस यूजर को हमें लॉगिन करना है उस पर क्लिक कर देंगे। इसके शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, अगर हम ये बटन को प्रेस करते हैं तो भी कंप्यूटर स्विच यूजर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ लॉग ऑफ ऑप्शन। लॉग ऑफ ऑप्शन का उपयोग कब किया जाता है, जब हमें विंडोज से लॉग ऑफ कर देना है, यानी विंडोज को क्लोज कर देना है, और विंडोज पर जितने भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन कर रहे हैं उन सभी को क्लोज कर देना हो, तब हम लॉग ऑफ ऑप्शन का यूज करते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन आपने ऑन रखा है उन सभी को एक साथ क्लोज कर देना हो तब हम लॉग ऑफ बटन का यूज करेंगे। इसमें हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं होता है, यानी कंप्यूटर बंद नहीं होता है, और हमारे सभी एप्लीकेशन को यह क्लोज करके स्विच यूजर स्क्रीन पर आ जाता है। इस तरह से हमारा कंप्यूटर बिना शटडाउन हुए सभी एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है और हम इसी कम समय में दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं और इस पर अपना वर्क कर सकते हैं। लॉग ऑफ का यूज करने के लिए क्लिक द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, सेकेंड शटडाउन ऑप्शन पर होल्ड करना है और थर्ड लॉग ऑफ बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से कंप्यूटर लॉग ऑफ हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि लॉक ऑप्शन का उपयोग कब किया जाता है, लॉक ऑप्शन क्या होता है। कंप्यूटर के विंडोज 7 में लॉक ऑप्शन दिया जाता है, यह हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करता है। जब हम लॉक ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमारा विंडोज बंद नहीं होता है बल्कि यह लॉक हो जाता है और इसे हम आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं, लॉग ऑन करके वापस हम स्क्रीन पर आ सकते हैं। यदि हमारे कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर लगा हुआ है तो लॉक करते ही आपका यह स्क्रीन सेवर पर चला जाता है और हमारे कंप्यूटर को लॉक कर देता है। इसे ओपन करने के लिए हमें फिर से कंप्यूटर में पासवर्ड एंटर करना होता है, तभी हम कंप्यूटर को लॉक को खोल पाएंगे। यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और हमें कंप्यूटर को अचानक से लॉक करना पड़े या किसी दूसरे यूजर में जाना पड़े, तब हम लॉक ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा पहला यूजर
लॉक हो जाता है। लॉक करने के लिए भी हमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टार्ट बटन, सेकेंड शट डाउन ऑप्शन पर होल्ड करना, और थर्ड में आपका लॉक ऑप्शन आ जाता है, जिस पर क्लिक करते ही हमारा कंप्यूटर लॉक हो जाता है। स्लीप ऑप्शन का उपयोग कब किया जाता है? जब हम कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर रहे हो और कुछ समय के लिए हमें अपने कंप्यूटर को छोड़ना हो, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, हम या कॉल आ गया हो या कहीं पर आपको कुछ समय के लिए जाना पड़े, तब हम कंप्यूटर को स्लीप ऑप्शन में डाल देते हैं, यानी कि स्लीप ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इससे हमारा कंप्यूटर ऐसा लगेगा कि बंद हो चुका है, शटडाउन हो चुका है, जबकि कंप्यूटर शटडाउन नहीं होता है। और यह हमारा उस समय में जो भी पावर यूज करता कंप्यूटर, उस पावर को यह सेव कर देता है, बचा देता है। तो कंप्यूटर के पावर को सेव करने तथा कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट ना करना पड़े, इसलिए हम लोग स्लीप ऑप्शन का यूज करते हैं। यह एक तरह से हमारे कंप्यूटर को, कंप्यूटर स्क्रीन को क्लोज कर देता है शटडाउन की भांति ही, और हमारे पावर को सेव करता है। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर को स्लीप मोड में, यानी कि स्लीप ऑप्शन का उपयोग कब किया जाता है। इसे भी करने के लिए आपको सेम प्रोसेस से गुजरना है, यानी कि स्टार्ट बटन, शटडाउन ऑप्शन, और इसके बाद स्लीप ऑप्शन पे क्लिक किया जाता है। इससे हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। अब लास्ट और अंतिम ऑप्शन है हाइबरनेट। हाइबरनेट कंप्यूटर का एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड और शटडाउन को आपस में कंप्रोमाइज कर लेता है, यानी इन दोनों के बीच का एक समझौता को हाइबरनेट कहते हैं। इसमें कंप्यूटर वर्क क्या करता है और इसका उपयोग कब करना चाहिए? जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन या ब्राउजर ऑन किए हुए हैं, और उस स्थिति में अचानक से हमें कंप्यूटर को बंद करना पड़े, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है या सुरक्षित रहे, जो भी खुला हुआ एप्लीकेशन या ब्राउजर है या अवेलेबल रहे, तब ऐसी स्थिति में हमें हाइबरनेट का यूज किया जाता है। जैसे कि आप एक ब्राउजर ऑन किए हुए हैं, एक चैट बॉक्स ऑन किए हुए हैं और एक एप्लीकेशन ऑन किए हुए हैं और आप वर्क कर रहे हैं, अचानक से आपको कंप्यूटर को बंद करना पड़े या कोई ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जिसके कारण आप अपने वर्क को नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर को कुछ देर के लिए बंद करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में हम लोग हाइबरनेट का यूज करते हैं। हाइबरनेट क्या करेगा, आपके जो भी एप्लीकेशन या ब्राउजर ऑन रहेंगे उस डेटा को यह रीड कर लेता है और उसे रिमेम्बर कर लेता है, यानी कि याद कर लेता है। और जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं वापस, तो उसी स्थान से ऑन हो जाता है जहां से यह कंप्यूटर बंद हुआ था, यानी कि जहां पर हमने अपने काम को ब्रेक किया था, रोका था, उसी स्थान ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग लैपटॉप में देखे होंगे कि जब हम लोग वर्क करते रहते हैं और अचानक बैटरी डाउन हो जाता है, बैटरी को चार्ज करने के बाद फिर से लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो हमारा लैपटॉप उसी स्थान से ऑन होता है जहां पर यह बैटरी डाउन होने के कारण बंद हो गया था। तो यहां पर कंप्यूटर ऑटोमेटिक इसे हाइबरनेट ऑप्शन पर कर देता है। तो यह ज्यादातर यूज आपका लैपटॉप या नोटबुक में ही होता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर पे करना चाहें कर सकते हैं। इसे भी यूज करने के लिए आप 3 स्टेप को ही फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टार्ट बटन, सेकेंड शटडाउन ऑप्शन, और थर्ड हाइबरनेट ऑप्शन का उपयोग करेंगे।